ही मज़ेदार किस्म की फ़िल्म है और उन चीज़ों के बारे में बात करती है जिन जिन चीज़ों से हम सब चाहते हैं ना चाहते हुए गुजरते हैं, गुजरना पड़ता है। और फिर कुछ एक ज़िंदगी के ट्विस्टन ऐसे होते हैं जो आपको एक चौराहे पे या एक मुकाम पे ला के खड़े कर देते और वहाँ से दो राह निकलता है, डिसाइड करना होता है कि इस ज़रिए जाना है या उस ज़रिए जाना है। तो कहानी बहुत ही दिलचस्प है और हर फिल्मकार ये बोलता है अपनी फिल्म के बारे में कि कहानी दिलचस्प है, तभी तो बनाने की मेहनत करता है इंसान। लेकिन इस कहानी की ब्यूटी ये है कि जब आप इस फिल्म को देखोगे तो जितने भी किरदार हैं, आप उस हर किरदार में जो बहुत सारी बात है उसमें से हर किरदार में से कोई एक बात आपको ऐसी लगेगी कि जो आपके बारे में है, जो आपके साथ हो चुकी है या आप उसमें से गुजर चुके हो। और ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, कोई एक कैरेक्टर से रिलेट करना आसान होता है, लेकिन जब कोई किसी फिल्म में 7-8 किरदार हो और 8ों किरदार से ऑडियंस को रिलेट करवाना हो तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वो टास्क जो है वो हमने बहुत ही बखूबी और बहुत ही सूदिंगली स्मूथली अचीव किया हुआ है। और उसकी वजह से आई वुड डेफिनेटली इंसिस्ट कि अगर मौका मिले तो हर इंसान को जाके ये फिल्म जब भी रिलीज़ हो थिएटर्स में, आपके नज़दीकी थिएटर्स में, तो जाके देखनी चाहिए। बिकॉज आपको ये हंसाएगी और हंसाते हंसाते रुलाएगी। और इन दिनों जहाँ तक मेरा नज़रिया है, मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि रोना एक बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है जो हम सब कहीं ना कहीं करने से बहुत ही दूर चले गए। और ये साइंस बोलता है कि हंसने से जितना हेल्दी इंसान होता है उतना हेल्दी रोने से होता है। तो मुझे इस बात का गुरूर है अगर कोई देखते देखते दो आंसू बहा लेगा तो सिनेमा का, थिएटर का वही एक प्रिविलेज होता है कि कोई आपको देखता नहीं और आप रो लेते हो और आप खुश भी रहते हो। बहुत कम फिल्मकारों को ऐसा एक एक्सपीरियंस मिलता है कि जिसमें आप पहली फिल्म बनाते हो और वो फिल्म बनाते वक्त आपको वो कॉन्फिडेंस, वो लिबर्टी, वो प्रिविलेजेस दिए जाए जैसे आप ऑलरेडी 4-5 ब्लॉकबस्टर बना चुके हो। तो नताशा और खुशी का जहाँ तक मेरे साथ काम करने का या मेरा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने मुझे हर बार हर चीज़ में सपोर्ट दिया है, कॉन्फिडेंस दिया है और एक ब्लाइंड फेथ के साथ एक लिबर्टी दी है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसपे हमारे बहुत सारे लंबे चौड़े क्रिएटिव डिस्कशंस हुए और जो क्रिएटिव डिस्कशन का एक मज़ा होता है कि वो डिस्कशन कब आर्गुमेंट में बदल जाता है और वो आर्गुमेंट कब झगड़े में तब्दील हो जाती है आपको पता नहीं चलता है। तो हमने वो फेजेस भी देखे हैं, लेकिन उसके एंड में जब भी कुछ डिसीजन लेने की बात आती है तो उन्होंने हमेशा मेरे पे ब्लाइंड फेथ रखी है, जिसका एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर फिल्म लोगों को पसंद आती है तो मैं गुरूर के साथ कहूँगा कि अरे अरे मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर फिल्म लोगों को पसंद नहीं आती है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही होगी। Quite exciting, obviously. Things happen for. There are certain excitements which leave you numb in your life. So I would say that this particular excitement for me in my life is something which might leave me numb because, like you know, filmmaking is not an easy task. And when so you're coming from a background where there is no background, and you have to start digging from the notch, and you keep doing things. And I've been fortunate enough to be a part, or rather to. To have a moment in my life where I can live and I can say that okay, once in my life I made a film jiska ek poster launch hua tha aur usme main kuch media walon se mila tha jinhone mujhe aise sawal puche jo main sirf kisi aur ko puche jate the aur main dekhta tha aur main sochta tha jab mujhe puche jayenge to main aisa jawab dunga. Aaj wo sare jawab jo meri slate mein se gayab hai, lekin I am honored and I am privileged that you could have right now at this very moment there were possibility ki aap sab log shayad shahrukh khan ke samne ya ritik roshan ke samne khade hote, uski jagah aap जितने भी लोग हैं मेरे सामने खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग की वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैं भी कहीं ना कहीं ये 2 मिनट के लिए तो शाहरुख ऋतिक ही हूँ। आई डोंट हैव फैंस राइट नाउ, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई डोंट हैव फैंस राइट नाउ, बट आई एम ऑन अ जर्नी वेर इन इफ आई मेक गुड सिनेमा एंड इफ पीपल लाइक दोज फिल्म्स आई विल एंड अप हैविंग फैंस फॉर माई फिल्म्स। आई बिलीव कि इंडिविजुअल फैंडम कभी नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही हानिकारक होता है बिकॉज वो आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस देता है और फिर आप सोचते हो मैं जो बनाता हूँ वो चलता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़िंदगी भर याद रखूं कि जितने भी लोग मेरे काम को चाहते हैं या मेरे काम के ज़रिए मुझे चाहते हैं वो इसलिए चाहते हैं कि उन्होंने मेरा काम देखा है। कोई मुझे पर्सनली मिलता नहीं है तो जब मुझे पर्सनली मिले ही नहीं हो तो आप मेरे फ़ैन नहीं हो सकते। तो आप मेरे काम के फ़ैन रहोगे तो मैं शुक्रगुजार रहूँगा, अगर आप नहीं रहोगे तो मैं और शुक्रगुजार रहूँगा क्योंकि